सियासी रंग में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में केवल 1.5 साल का समय बचा है। ऐसे में टिकट वितरण में महिलाओं के लिए आरक्षण दिए जाने की मांग अभी से उठने लगी है। भोपाल में तितिक्षा शक्ति वाहिनी सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष पूर्णिमा वर्मा ने कहा कि प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में मात्र शक्तियों से संपर्क यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार में महिला उत्पीड़न के मामले में प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। महिला सशक्तिकरण वर्ष में भी महिलाओं पर घरेलू हिंसा, अन्याय, अत्याचार, छेड़छाड़, बलात्कार, भ्रूण हत्या, दहेज प्रताड़ना आदि घटनाएं भी आए दिन हो रही हैं, जिस पर प्रदेश सरकार रोक लगाने के लिए आने वाले चुनाव 2018 में मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आज एक बहुत बड़ा बिगुल बजाया जा रहा है मातृशक्ति के सम्मान में, जिसमें 50% महिलाओं को आने वाले सभी चुनावों में आरक्षण दिलाकर हमारा जो प्रयास रहेगा और 50% पर महिलाओं के सम्मान को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं से हमने यात्रा निकालना सुनिश्चित किया है। इसी खबर पर भोपाल से हमारे संवाददाता सूरज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, जिस तरह से 2018 में विधानसभा चुनाव हैं, तकरीबन डेढ़ साल का वक्त बचा है और अभी से अब कहा जा सकता है कि टिकट को लेकर रणनीति बनना शुरू हो गई है और जिस तरह से आज महिलाओं की पैरवी की गई, कौन से वो लोग हैं महिलाओं के फेवर में बात करने वाले और किस तरह की बात आज महिलाओं को टिकट देने के लिए की गई, थोड़ा विस्तार से बताएं सूरज। सूरज, सुन पा रहे हैं आप? भोपाल से हमारे संवाददाता सूरज शर्मा से हम संपर्क कर रहे हैं इसी खबर पर, जिस तरह से 2018 में विधानसभा चुनाव हैं और अभी से सूरज हमारे भोपाल से सूरज शर्मा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आज सूरज, जिस तरह से आज महिलाओं की पैरवी की गई 2018 में, जिस तरह से विधानसभा चुनाव है, कौन सा वो संगठन है जिसने इस तरह की आज बातें तमाम तरह की हैं, प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं की पैरवी की है? सूरज शर्मा, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो जिस तरह से 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, 50% महिलाओं को टिकट देने की बात की जा रही है और जिस तरह से आज महिला संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिलाओं की पैरवी की है, मांग की है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए और जिस तरह से प्रदेश सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया गया है कि महिलाओं को लेकर कई तरह की बात की गई है कि जिस तरह से महिला उत्पीड़न की हम बात करें, समानता की बात करें, तमाम आरोप तितिक्षा शक्ति वाहिनी सामाजिक संस्था ने आज ये आरोप लगाए हैं, साथ में महिलाओं की पैरवी की है। सूरज शर्मा, आप हमें सुन पा रहे हैं? सूरज, चलिए बढ़ेंगे अगले रंग की ओर और देखेंगे अगला सियासी रंग क्या है। मध्य प्रदेश उच्च